मेरे दोस्तों, मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। यमन के अंसारुल्लाह यानी हुथीज ने और उनके लीडरों ने बड़ी धमकी दी है। लीडर आए हैं सामने और उन्होंने कहा कि इस बार हम इसराइल पर नए तरह के हमले करने जा रहे हैं, हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक मिसाइलें हैं हम उसको दागेंगे। अब यहाँ पर जो समझदार हैं वो कहेंगे भाई अल्ट्रासोनिक मिसाइल कोई अभी तक बनी ही नहीं है, तो हम भी कंफ्यूज हैं ये कौन सी मिसाइलें हैं जिन्हें यमन दागने वाला है इसराइल पर। सुनिए ऐलान। أبناءكم المجاهدون في الجيش اليمني إلا قوة وصلابة وزيادة في المعرفة والتدريب والتصنيع والتطوير ونقول للصهيوني إننا بإذن الله سيأتيكم الفرض الصوتي في قادم الأيام زخات وصليات متتالية لتذوقوا ما يذوقه أبناء فلسطين ولبنان। हजरात, इसी तरह से ईरान के वाइस स्पीकर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने ईरान के मीडिया पर खुलेआम क्लियर कट बोला है कि अगर इस बार ईरान पर इसराइल हमला करता है तो हमारे पास जो नए तरह के डिफेंस सिस्टम हैं वो रिवील हो जाएंगे, वो दुनिया के सामने आएंगे। در مورد مباحث و تأسیسات هسته‌ایمون و یا سایر تأسیسات هامون قطع یقین شما بدن تمهیدات لازم که برای که از اینها دفاع بشود اندیشیده شده و باز عرض میکنم اگر خورد عقل اینها داشته باشن حساب میکنن صادق یک را با وعده صادق یک را با وعده صادق دو و اتفاقی که اگر بخواد بیفته قطعا بدانید نوع جدیدی از سلاح دفاعی ایران رونمایی خواهد شد، چنانکه خودشون هم میدونن اقرار نمیکنن در وعده صادق دو یک نوع جدیدی از موشک نسبت وعده صادق یک توسط هوافضای قهرمان ما و سپاه پاسداران انقلاب عزیزمان رونمایی شد. میرے دوستو، در امریکا نے اسرائیل کو وارننگ دی ہے कि आप ईरान की न्यूक्लियर साइट पर हमला मत करना वरना वो स्पेशल एग्रीमेंट न्यूक्लियर ट्रीटी से बाहर हो जाएगा, यानी एक ऐसा एग्रीमेंट जो एग्रीमेंट तमाम न्यूक्लियर पावर वाले देशों के बीच होता है कि हम कुछ भी हो जाए हम पहले न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे ना न्यूक्लियर बनाएंगे अलग तरह का कुछ भी। तो अगर आपने हमला किया तो उस एग्रीमेंट से ऑटोमेटिकली ईरान आज़ाद हो जाएगा और ईरान फिर कुछ भी कर सकता है। उधर बहुत बुरी खबर यह है, ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने एक बार फिर से 100 फाइटर जेट के साथ लेबनान पर कुछ यूं हमला किया। जी हाँ, इजराइल के 100 फाइटर जेट एक साथ लेबनान में घुसते हैं। दुनिया चुपचाप इस नरसंहार को भी ठीक ऐसे ही देख रही है जैसे गाजा को पिछले एक साल से हमने मरते कटते देखा है। उधर लेबनान के ऊपर इजराइल ने जो 100 फाइटर जेट से हमला किया उसके अलावा हर एक एक घंटे में बड़ी तबाही मचा रहा है इजराइल, उसके कुछ मंजर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मेरे दोस्तों, इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है, गाजा को जिस तरह से आपने बर्बाद होते देखा आप अब लेबनान को भी देख रहे हैं। लेबनान पूरी तरह से बेकार हो चुका है, लेबनान की राजधानी के आसपास समेत लेबनान में भी बमबारी इजराइल कर रहा है। लेबनान से लोग जा रहे हैं, कुछ सीरिया जा रहे हैं, कुछ किसी और देश में जा रहे हैं, जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो तुर्की या कहीं और जा रहे हैं और जो बेचारे गरीब हैं वो पैदल ही लेबनान छोड़कर सीरिया जा रहे हैं। अब लेबनान बुरी तरह से फंस चुका है और बुरी तरह से बर्बाद हो चुका है, चारों तरफ बमबारी है, बच्चे बूढ़े महिलाएं सब मारे जा रहे हैं और अरब देश एक बार फिर से एक और मुस्लिम देश को मरता हुआ छोड़ चुके हैं। इसराइल पूरी प्लानिंग से लेबनान को तबाह कर रहा है, जो वहाँ की फैसिलिटीज हैं उस पर हमला कर रहा है। आग बुझाने वाला स्टेशन जिसे आप टमटम कहते हैं वहाँ हमला किया, ये तस्वीर देख लीजिए, बिफोर आफ्टर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ। इस जगह पर लेबनान में आग बुझाने वाली गाड़ियाँ टमटम और फायर फाइटर्स थे जो कि लेबनान में लगी आग को बुझाने का काम कर रहे थे। इसराइल ने वहीं हमला करके 11 से 12 फायर फाइटर्स को कत्ल कर दिया और वहां जितनी आग बुझाने वाली गाड़ियां थी तबाह कर दिया। उधर हिजबुल्लाह संगठन ने अपने लड़ाकुओं से कहा है कि इसराइल की सेना पर हमला मत करो, अगर वो
पीस कीपिंग इंटरनेशनल फोर्स के साथ हैं, यानी यूएन की मिलिट्री जो बॉर्डर पर है लेबनान और इसराइल के, अगर इसराइल की सेना उनके साथ है तो हमला मत करो, क्योंकि इंटरनेशनल मिलिट्री का फायदा उठाकर उनको ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं इसराइल के फौजी। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है, इसराइल को अभी कंफर्म नहीं है, वो पूरी तरह से श्योर नहीं है कि हिजबुल्लाह के नए जो लीडर बनने वाले थे हाशिम सफीउद्दीन, वो जिंदा है या मारे गए हैं, क्योंकि अभी इसराइल को उनकी लाश नहीं दिखी है। IDF ने धमकी दी है और वार्निंग जारी की है लेबनान के लोगों को कि आप समुद्र से, बीच से और साउथर्न लेबनान से दूर रहिए। वहीं इसराइल ने अपने नॉर्थ इसराइल के ही, ये तस्वीर देखिए, मैप देखिए, बड़े से एरिया को और सील कर दिया है, अपने ही इलाके को सील कर दिया है और उसे मिलिट्री जोन घोषित कर दिया है। जो लेबनान के लोग सीरिया भाग कर जा रहे हैं उनके लिए मदद का ऐलान UAE ने किया है, कहा है कि उनको $30 मिलियन मदद दी जाएगी। यानी आप अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे होंगे, लेकिन इसमें UAE की पॉलिटिक्स को क्यों नहीं समझ रहे हैं मेरी जान, समझिए। UAE इसराइल से नहीं कह रहा है कि हमला मत करो, एक तरह से इसराइल से कह रहा है मारो, वो ससुरे भाग के इधर आएंगे, उनको मुंह बंद करने के लिए मैं पैसा दे दूंगा। आप ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझिए कि UAE इसराइल को रोक नहीं रहा है, जो बेचारे घायल अपने जमीनों को छोड़कर दूसरे देश जा रहे हैं उनको एक तरह से अपनी जमीन छोड़ने का किराया UAE देगा, ये अरब देशों की सच्चाई है। वहीं मेरे दोस्तों, लेबनान के अंदर घुसने के लिए इसराइल ने एक और डिवीजन, एक और मिलिट्री ग्रुप तैयार कर दिया है जो कि लेबनान में घुसने वाला है। वहीं इसराइल के पिछले 24 घंटे में लेबनान में 2 सैनिक मारे गए हैं और कम से कम 20 घायल हैं। ठीक जैसे इसराइल ने गाजा में तबाही मचाई, वैसे ही लेबनान में मचा रहे हैं। तस्वीर देखिए, बॉर्डर के इलाकों में जो गांव हैं लेबनीज के, उनके मकानों में इसराइल के सैनिक घुसकर उनके मकानों को लूट रहे हैं, सामान लूट रहे हैं, गाड़ी का तेल चेक कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि ये तो गाड़ी बेकार है और अब हम इस घर को उड़ा रहे हैं। ये कहने के बाद लेबनीज घरों को तबाह किया जा रहा है। वहीं एक बहुत बड़ी खबर ये है कि 100 इराक में बच्चे जो अभी हाल फिलहाल में पैदा हुए, 100 बच्चे जो इराक में पैदा हुए, उनका नाम हसन नसरुल्लाह रखा गया है। ये तो वही वाली बात हो गई जो नारों में है, तुम एक मारोगे और 100 पैदा होंगे। वहीं हिजबुल्लाह ने जानकारी दी है कि इसराइल का जो इंटेलिजेंस बेस है इसराइल में, गिलॉट बेस, हमने उस पर हमले करके उनको नुकसान पहुंचाया है। ठीक इसी तरह से लेबनान की तरफ से इसराइल पर दर्जनों रॉकेट दागे गए। वहीं इजिप्ट के लोग फिलिस्तीन के समर्थन, गाजा और लेबनान के समर्थन में प्रदर्शन कर रहे थे तो इजिप्ट की मिलिट्री ने उन्हें मारपीट कर गिरफ्तार किया। इसी तरह से जॉर्डन में जो प्रदर्शन है वो बड़ा हो चुका है और काफी जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। बिस्मिल्लाह अल्लाहू अकबर बिस्मिल्लाह या अल्लाह बिस्मिल्लाह।
अमेरिका के न्यूयॉर्क में भी खतरनाक प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने तस्वीर आपके सामने फिलिस्तीन का रुमाल बांधे और फिलिस्तीन का झंडा लेकर फिलिस्तीन, गाजा और लेबनान के लिए आवाज उठाई। फ्रांस में फिलिस्तीनी प्रदर्शन कर रहे थे तो एक यहूदी समर्थक यहूदी ही एक्टिंग करने लगा फिलिस्तीनियों का मजाक उड़ाकर कि जैसे कि मुझे मारा है। लेकिन यकीन कीजिए, यही मजाक मजाक में इसने इसराइल की औकात दिखा दी कि जब ये खुद 40,000 फिलिस्तीनियों को मार देते हैं तो चौड़ा बन के घूमते हैं, और जब ईरान मिसाइलें मारता है और सिर्फ इनकी मिलिट्री बेस बर्बाद होती है तो ये अपना आर रोना शुरू कर देते हैं। आपत्तिजनक शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, और फिर आर मार दिया, अरे ये कर दो, देखिए ठीक। इसी तरह से नेदरलैंड में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन जारी है। उधर जापान की राजधानी टोक्यो में जबरदस्त प्रदर्शन। वहीं जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारियों पर टीयर गैस का इस्तेमाल कर रही है। वहीं इसराइल ने नॉर्थन गाजा पूरी तरफ से घेर लिया है। देखिए, ये जो नीला एरिया आप देख रहे हैं ये वो एरिया है जहां पर इसराइल की मौजूदगी है। इसराइली सेना ने इस पूरे नीले इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करके नॉर्थन गाजा को घेर लिया है। वहां बची कुछ ही गाजा के अंदर और भी मस्जिदों को इसराइल ने देर रात को निशाना बनाकर शहीद कर दिया। इसके अलावा इसराइल ने गाजा पर रोज की तरह बमबारी की है जिसमें भारी तबाही देखने को मिली है। Yeah.
वहीं साउथर्न गाजा में इसराइल ने बानी सुहाला के इलाके को भी खाली करने की वार्निंग जारी कर दी है। वहीं मेरे दोस्तों, पत्रकारों को मौका मिला इसराइल की जेल में जाने का जहां फिलिस्तीनी कैद हैं। आइए मेरे दोस्तों, पत्रकार ने क्या मंजर दिखाया है और क्या सलूक फिलिस्तीनी कैदियों के साथ किया जा रहा है, देखिए। अल्लाहु अकबर। उधर गाजा में 42 मिलियन टन मलबा इकट्ठा हो चुका है, यानी पूरा गाजा उसने कबाड़ा कर दिया है, खंडर कर दिया है। इसराइल पूरे गजा पर कब्जा करना चाहता है और तमाम फिलिस्तीनियों को वहां से भगाना चाहता है। मजबूरी में गाजा के लोग अपने इलाकों को छोड़ रहे हैं। الجلال والجمال والسناء والبهاء في رباه في رباه والحياة والنجاة والهناء والرجاء في هواك في هواك هل أراك هل أراك سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في علاه। अब जो मकान बचे कुचे हैं खंडर हैं, रहने लायक नहीं है। इसराइल के सैनिक उन मकानों को एज यूजुअल बम लगाकर उड़ा रहे हैं, इसका वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं। वहीं आपको बता दूं, ये तस्वीर देखिए, ये ग्राफ देखिए, 175 पत्रकारों को इसराइल कत्ल कर चुका है अब तक और ये काउंटिंग जारी है। पूरी दुनिया गवाह बन रही है कि दुनिया में पहला कोई ऐसा देश है जो इतने पत्रकारों को इतने कम वक्त में सबसे ज़्यादा कत्ल कर चुका है, और इसीलिए इसराइल बहुसंख्यक समाज को बड़ा ही पसंद है। बरतानिया के सबसे बड़े अखबार द इंडिपेंडेंट ने बहुत हिम्मत का काम किया। फ्रंट पर देखिए, लिखा है कि 365 दिन 7 अक्टूबर से अब तक खौफनाक दिन हो चुके हैं। 41,870 मारे जा चुके हैं।
जिसमें महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। 10,000 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हैं और अभी लापता हैं। तमाम डिटेल इंडिपेंडेंट ने लिख दी है, बर्तानिया के अखबार ने लिख दी है। वो तो अच्छा हुआ कि मोहम्मद जुबैर नहीं है इसका संपादक, वरना सच लिखने पर तो मोहम्मद जुबैर पर FIR भारत में हो जाती है भाई। मेरे दोस्तों, अब मैं कुछ आंकड़े पेश करता हूं। ये ग्राफ देख लीजिए। इजराइल ने गाजा के ऊपर 40,300 मिसाइलें अब तक दाग दी हैं और गाजा की तरफ से इजराइल पर 13,200, लेबनान से 12,400 मिसाइलें आई हैं, सीरिया से 60 मिसाइलें आई हैं, मिसाइल यमन से इजराइल पर 180 आई हैं, ईरान ने अब तक 400 मिसाइलें दागी हैं। इजराइल के अंदर अब तक 728 फौजी मारे गए हैं और गाजा के अंदर 41,909 लोग मारे गए हैं। उधर इजराइल के 1200 सिविलियन मारे गए, गाजा में 97,303 लोग घायल हुए और 251 यहूदियों को कैदी बनाया गया गाजा के अंदर, और गाजा के अंदर 10,001 लोग अभी गायब हैं, मलबे में दबे हुए हैं। उधर अमेरिका ने, इस ग्राफिक्स को भी देख लीजिए, अमेरिका ने अब तक इजराइल को, जब से जंग हो रही है, 17.9 बिलियन के हथियार दे दिए हैं। अब तक क्या सबसे ज्यादा हथियार सबसे ज्यादा कम समय में देने वाला अमेरिका इजराइल को बना है। हजरात मोहतरम, इस वीडियो को शेयर कीजिए, बहुत सटीक और प्रूफ के साथ इसके अंदर जानकारी है। इस बारकोड का इस्तेमाल करके गाजा और फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आइए, और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो दोनों हाथ बुलंद कीजिए, नमाज अदा कीजिए और पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए। जय हिंद।